हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्लिस जीबीएस फार्मा लिमिटेड के क्वार्टर फोर 21 के रिजल्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिविडेंड देख लेते हैं जो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के लिए रिकमेंड किया है। फ्रेंड्स, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के लिए 50 पैसा पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड रिकमेंड किया है। कंपनी के शेयर का प्राइस चल रहा है अभी 125 के अराउंड, तो कंपनी ने अपने शेयर प्राइस पर अराउंड 0.4% का डिविडेंड रिकमेंड किया है। और यह डिविडेंड इनको शेयर होल्डर को तभी मिलेगा यदि आने वाली एजीएम में इनके शेयर होल्डर के द्वारा यह प्रूव किया गया। तो चलिए अभी डायरेक्टली रिजल्ट पे चलते हैं। फ्रेंड, हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट डिस्कस करेंगे। जे कंपनी के करंट क्वार्टर डाटा क्वार्टर फोर 21 के रिजल्ट है, जे पिछले क्वार्टर डाटा क्वार्टर थ्री 20 के रिजल्ट है, जे पिछले साल सेम क्वार्टर डाटा क्वार्टर फोर 20 के रिजल्ट है। फ्रेंड, हम इस क्वार्टर रिजल्ट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करेंगे कि इस क्वार्टर रिजल्ट कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं, और जहां पर जो भी वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है रुपीज इन लास्ट। तो चलिए सबसे पहले कम इनकम देखते हैं। जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है कंपनी का इस क्वार्टर का, वो है 13,205,000 रुपए। अदर इनकम है 632,000 रुपए। इस क्वार्टर की जो टोटल इनकम है कंपनी की, वो है 13,838,000 रुपए। पिछले क्वार्टर की थी 16,817,000 रुपए, पिछले साल सेम क्वार्टर की थी 13,846,000 रुपए। तो फ्रेंड, यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें कंपनी की इनकम डिक्रीज हुई है एंड ईयर ईयर बेसिस पे कंपनी की इनकम ऑलमोस्ट फ्लैट है। अभी देख लेते हैं खर्चे। तो इस क्वार्टर के टोटल खर्चे कंपनी के वो है 12,189,000 रुपए एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कंपनी का इस क्वार्टर का, वो है 1,658,000 रुपए एंड प्रॉफिट फॉर द पीरियड दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कंपनी का इस क्वार्टर का, वो है 815,000 रुपए। पिछले क्वार्टर का था 2,755,000 रुपए, पिछले साल सेम क्वार्टर का था 557,000 रुपए। तो फ्रेंड, जिन्हें हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे कंपनी का प्रॉफिट काफी डिक्रीज हो गया एंड ईयर ईयर बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के अच्छे नहीं लग रहे, पर ईयर बेसिस पे काफी अच्छे हैं। अभी देखते हैं बेसिक अर्निंग पर शेयर, जिससे हमें डायरेक्टली पता लग जाएगा कंपनी के कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं। तो देखिए, जो बेसिक अर्निंग पर शेयर है कंपनी का इस क्वार्टर का, वो है 61 पैसा पर शेयर। पिछले क्वार्टर का था 2,48 रुपए, पिछले साल सेम क्वार्टर का था 85 पैसे पर शेयर। तो फ्रेंड, जो बेसिक अर्निंग पर शेयर है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डिक्रीज हो गया है एंड ईयर ईयर बेसिस पे भी डिक्रीज हो गया है। तो इस क्वार्टर के रिजल्ट कंपनी के ठीक नहीं लग रहे। ओके, थैंक्स।